सो हेलो दोस्तों, फिर से आपको स्वागत करता हूँ पीके इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऑडियो बोर्ड अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, जो कि हमारा TDA 7294 IC का बना हुआ है। और दोस्तों, ये दो IC में है और स्टीरियो साउंड में है। तो दोस्तों, इसका पहले अनबॉक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसके अंदर एक 7294 डुअल IC का एक ऑडियो बोर्ड है और मैंने इसको खोल लिया है। और दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा पूरा ऑडियो बोर्ड। दोस्तों, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया है कुछ दिन पहले ही और ये आज मुझे डिलीवर किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं TDA 7294 MPL लिखा हुआ है, मतलब हमारा दो TDA 7294 IC से ये बोर्ड बना हुआ है। और दोस्तों, ये बोर्ड स्टीरियो साउंड में है, जो कि हमारा 24/0/24 7 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके कनेक्शन से चलता है। और दोस्तों, इधर कुछ 12 वोल्ट के लिए आपको कनेक्शन मिल जाता है, जब भी इधर 7812 लगा हुआ है, आप नोटिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और दोस्तों, ये 7812 इसलिए लगा हुआ है कि इसमें से आप फैन वगैरह सब कुछ इसमें चला सकते हैं। दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट से आया हुआ है और इसलिए इसका जो हीट सिंक है आप देख सकते हैं ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं। इसका हीट सिंक जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हीट सिंक दिया गया है। और ये जो बोर्ड है इसका PCB भी बहुत अच्छी है मुझे लगा, और ये कैपेसिटर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, मेरे ओपिनियन से बताऊं तो ये बोर्ड बहुत ही खास होने वाला है और ये बहुत दिन पहले ही ये रिलीज़ किया गया है। और ये सैथ्रोन कंपनी का है, 200 वाट राइट स्पीकर, मतलब ये 100-100 करके दो स्पीकर में आपको आउटपुट दे देगा, वो भी अच्छी खासी RMS के साउंड पे। और दोस्तों, इस बोर्ड के प्राइस के बारे में बात करें तो ये करीब मुझे 1000 रुपया खर्च करना पड़ा फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर करने के लिए। और दोस्तों, ये बोर्ड मैंने सिर्फ आप लोगों को इसका वायरिंग या वायर इसके बारे में बताने के लिए ही इसको परचेस किया है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो लोकल मार्केट में परचेस कीजिए, ताकि आपका जो पैसा है वो थोड़ा बच जाए, क्योंकि दोस्तों जो ऑनलाइन मार्केट होता है उसमें हमारा जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा रेट में आता है ये सब बोर्ड, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या फिर बोर्ड वगैरह सब कुछ हाई रेंज में आता है। तो मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा आपको, ये बोर्ड आप अगर आपको ख़रीदना है तो आप इसको ऑफलाइन मार्केट से या फिर लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हो। तो इधर देख सकते हो दोस्तों, ऑडियो इन करके इधर 3 पिन दिख जाएगा आपको, और इधर 24/0/24 का कनेक्शन मिल जाएगा। और इधर रेक्टिफायर ब्रिज बनाने के लिए एक बहुत ही यूनिक सा डायोड इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इधर लेफ्ट साइड स्पीकर के 2 पिन आपको आउटपुट के लिए दिख जाएगा, और इधर राइट साइड के 2 पिन स्पीकर आउटपुट के लिए दिख जाएगा। और दोस्तों, इसका बहुत ही एक खास बात है, जो ये फ्यूज़ दोनों दिख रहा है आपको, यह हमारा जो पावर सप्लाई है, अगर इस IC से कुछ गड़बड़ी आती है तो ये जो फ्यूज़ आपको दिख रहा है ये फ्यूज़ जल्द से जल्द टूट जाएगा और ये जो हमारा बोर्ड है वो बच जाएगा। और ये देख सकते हैं पूरा मैंने आपको दिखाया। और दोस्तों, ये वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ अनबॉक्स करने के लिए बनाया, दूसरा वीडियो आएगा मेरे चैनल में, आप जाके उसका वायरिंग का या फिर म्यूजिक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल में इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।